मंत्री का बेटा रोनता है गाड़ी से, आप लोगों ने वीडियो देखा, मैं भी सोशल मीडिया पर देखा हूँ। और प्रियंका गांधी जी हमारी नेता, उन लोग किसानों से मिलने के लिए घर पर जाते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। कुशेश्वर थान लड़ना चाहती, लेकिन अगर वो दोनों सीट लड़ेगा तो कांग्रेस भी दोनों सीट पर लड़ेगी। लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ वो एक जघन्य अपराध है, सरकार द्वारा पोषित अपराध है। तो जिसने अपनी गाड़ी से कुचला उसको गिरफ्तार न करके प्रियंका जी सांत्वना देने जा रहे थे, प्रियंका गांधी जी को पकड़ के रखा है, तो यह कहीं ना कहीं अराजकता है शासन की तरफ से। उसी के प्रोटेस्ट में आज कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया है, पटना में हम लोगों ने किया है। ये इस तरह का प्रदर्शन विरोध आगे भी जारी रहेगा। यूपी में चुनाव भी होने हैं और जो घटना घटित रही बार तो उसको लेके कितना असर पड़ेगा चुनाव में बताएं। देखिए सरकार वहाँ बेकाबू हो गई है, उसका कोई नियंत्रण नहीं है। विरोध की आवाज़ उठाने वालों को कुचल जाना, गोली चला देना, मार देना, जबरन गिरफ्तार कर लेना, ये एक प्रकाष्ठा हो गया है। एक समय आएगा जब ये लोग जनता के द्वारा सत्ता से हटाए जाएंगे, निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। उपचुनाव में क्या महागठबंधन सुरक्षित रहेगा? उपचुनाव हो रहे हैं तो राजद अपने उम्मीदवार उतार दिया है, कांग्रेस भी उम्मीदवार उतार रही है। हम भी दोनों सीटों पर लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। प्रधानमंत्री और योगी जी का पुत्र दहन किया गया है यूपी की घटना को लेकर, तो क्या लगता है यूपी चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। आप किसान को एक मंत्री का बेटा रोनता है गाड़ी से, आप लोगों ने वीडियो देखा है, मैं भी सोशल मीडिया पर देखा हूँ। और प्रियंका गांधी जी हमारी नेता, उन लोग किसानों से मिलने के लिए घर पर जाते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और आप देखे हैं वो गेस्ट हाउस में झाड़ू लगा रही है, जिस तरह से वो झाड़ू लगा के साफ कर रही है, इस बार यूपी और देश में इसी तरह जनता झाड़ू लगा के भारतीय जनता पार्टी को केंद्र और यूपी से बेदखल करने का काम करेगी। नहीं, गठबंधन की बात क्या कर रहे हैं? देखिए वो उन्होंने राजद ने दोनों सीट पर घोषणा की, कांग्रेस कुशेश्वर थान लड़ना चाहती, लेकिन अगर वो दोनों सीट लड़ेगा तो कांग्रेस भी दोनों सीट पर लड़ेगी, यह मैं आपको बताना चाहता। सर ये तो 2025 में बहुत दूरी है, पहले उपचुनाव को देखने दीजिए, अगर कांग्रेस दोनों सीट जीत जाती है उसके बाद ये सवाल कीजिएगा, बताएंगे। अभी तक सुरक्षित है, लेकिन जो उनके अध्यक्ष ने घोषणा की, अगर कहीं भी ट्रैवल कर लिया तो ये कहना बिल्कुल नाजायज होगा, इसलिए हम लोग को इंतजार करना चाहिए। जेल में है, अगर छूटेंगे तब ना कोई बात होगी, हमको उनको वो भी बोले कि हमको इस बात की कोई जानकारी। आप तो छूट गए तो क्या पप्पू यादव को लड़ाएंगे? आज घोषणा करने वाले हैं, इसके लिए हम कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी नहीं है बोलने के लिए जी। और जहाँ तक अध्यक्ष के हैसियत से मेरा अपना दायित्व है सर, उसमें मेरी उनसे कोई बात नहीं। सर आज कितने बजे तक सर ये घोषणा होंगे? सर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, आपको खबर कर देंगे, लेकिन हम शाम से पहले 7 बजे से पहले आपको घोषणा दे देंगे। उनसे मिलने के लिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और कई दिनों से अरेस्ट करके एक गेस्ट हाउस में रखा गया है, जहां गंदगी भी है, खाने का भी नहीं व्यवस्था, एक टॉर्चर किया जा रहा है। जब देश के इतने बड़े परिवार के लोगों को जो कि नेता हैं उनके साथ इस सरकार का यह व्यवहार है, तो आम लोगों के साथ क्या होगा यह आप सोच सकते हैं। मामले को दबाने की कोशिश है सर? निश्चित रूप से दबाने की कोशिश हो रही है, यूपी में कोई नई बात नहीं है, वहाँ बराबर से ये होते रहा। और आज जो हो रहा है डबल है, एक तो जो हत्यारा है उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, और जो मृत आत्मा के शांति के लिए वहाँ मिलना चाह रही थी उन्हें गिरफ्तार करके कई दिनों से जेल में रखा गया। सर उपचुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्होंने प्रभारी जो है आपके भक्तचरण दास जी को कह दिया था कि हम लोग दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्या आप लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी? देखिए अगर उनकी भक्तचरण दास जी हमारे प्रभारी उनसे अगर बातचीत हुई, अगर वो इन्फॉर्म किए हों अलग, जब सामान्य कोई महागठबंधन होता है तो बैठ के बातचीत होती है, इन्फॉर्मेशन देना और डिसीजन लेना अलग अलग होता है। उन्होंने प्रभारी को क्या इन्फॉर्म किया, क्या उनसे पूछा, बात होना राजनीति किसी भी दल के लोग से किसी से भी बातचीत हो सकती है। सर इधर सर इधर देखिए हमारे आला कमान करेंगे, लेकिन ये बात करता है तो लोग हम भी कब करेंगे, नामों की घोषणा कब तक करेंगे? हम आज करेंगे। सर पप्पू यादव की बात में कितनी सच्चाई है?
अपने कंडीशन पर किन्हीं की बात नहीं मानते। कुछ बात चल रही है पप्पू यादव से सर? हाँ हम आज करेंगे दोनों जगह। पप्पू यादव से अभी तक कोई बात हो पाई नहीं? उनसे नहीं बात हुई हमको, रंजीता रंजी से चुनाव के तहत माफी करने हमको परसों रात में, हम कोई बात छुपाते नहीं है। परसों रात में मेरी बातचीत हुई थी मेरे पार्टी बात नहीं।